एवरीवन, मैं हूँ शोम्पा। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं डोसा बना रहा हूँ। तो अभी तो मेरे डोसा अच्छे से बना ले तू। पहले मेरे को डोसा बनाना नहीं आता था और केरला में भी एक साल था उस टाइम पे, एक दो महीने में एक बार ही शायद होता था डोसा। और अभी तो बहुत ज़्यादा डोसा बनता है क्योंकि बिहान ज़्यादा पसंद करते हैं और बोरुन और मैं दोनों ही पसंद करते हैं, बट बिहान ज़्यादा पसंद करते हैं ना, इसीलिए ज़्यादा बनता है। तो अभी मैं तुअर को काट रहा हूँ। शायद हिंदी में इसको तुअर ही बोलता है, हम लोग तो बंगाली में झींगे बोलता है। तो अभी तुअर को काट रहा हूँ। तो तुअर का सब्जी बनेगा और आलू मेथी बनेगा। तो कल का बचा हुआ मेथी था वही मैं बनाऊँगी। तुअर का सब्जी मैंने बना लिया है और अभी मैं आलू मेथी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैं जीरा और एक सूखा लाल मिर्ची डाला है और उसमें मैं रसुन डाल दिया है। तो रसुन को थोड़ा सा भुनने के बाद मैं इसमें प्याज ऐड कर दिया है और प्याज को भी अच्छे से सॉफ्ट करने के बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। तो आलू को मैं थोड़ा सा छोटा पीसेस में कट किया है तो जल्दी से गल जाएगा, इसीलिए बड़ा पीसेस में काट करने के बाद देखने में तो अच्छा लगता है बट ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे को जल्दी बनाना है तो इसीलिए मैं छोटा में काट किया है। और आलू डालने के बाद मैं इसमें नमक हल्दी डाल दूँगी और मैं इसमें कोई धनिया पाउडर और सूखा लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूँगी, मैं इसमें ग्रीन चिली डालूँगी। तो बहुत सारा लोग इसमें धनिया पाउडर लाल मिर्ची डालता है बट मेरे को लगता है वो सब डालने के बाद क्या होता है, मेथी का जो खुशबू और जो रसुन का जो खुशबू है वो फीका पड़ जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो मैं सिंपल सा ही बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट सबका हो चुका है और मैंने साथ साथ लंच भी बना लिया है। तो लंच में मैं तुअर का सब्जी और आलू मेथी बनाया और उसके साथ मैंने चावल बना लिया है। तो खाने का जो कुछ था वो मैंने तो बना लिया है। किचन अभी तक मैंने क्लीन नहीं किया है, उससे पहले मैंने सोचा है इस रूम का मैं क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इधर थोड़ा दीवार में गंदा भी हो गया था और इधर जो सेल्फ है वो भी थोड़ा मिसी हो गया था, तो इसीलिए सोचा है वो भी सेट कर देती हूँ। और बिहान आज ट्यूशन नहीं जाएगा क्योंकि बिहान का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और बिहान को मैं टूपी और मास्क पहना दिया है और वो मेरे पास से मैं जाने के लिए बोल रहा था बट वो नहीं मान रहा था, मेरे पास ही आके वो भी काम कर रहा था। और इस टाइम पे बोरुन अभी ड्यूटी जा रहा है तो बिहान देख रहा है पापा किस दरवाजे से बाहर जा रहा है। तो बोरुन सोचा था चुपके से चला जाएगा बट बिहान ने देख लिया है और बिहान ऐसा ही करता है, जब बोरुन ड्यूटी जाता है उसको मालूम पड़ता है तब वो उसका पापा के साथ शॉप जाके उसके पास से चॉकलेट लेके आते हैं। तो आज भी बोरुन चुपके से जाने के लिए सोचा था बट नहीं हुआ है, उसको लेके जाना पड़ा है। बोरुन घर में टाइम नहीं दे पाते ना तो इसीलिए बिहान और भी ज़्यादा ऐसा करता है। तो जो लोग होटल रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो लोगों का तो 13-14 घंटा नॉर्मल ड्यूटी है, जब ऑकेशन रहता है तो उससे भी ज़्यादा, मतलब ड्यूटी आवर्स का कोई ठीक ही नहीं रहता है। इस बार भी 25 दिसंबर से पहले बोरुन को पूरा रात तक ड्यूटी करना पड़ा, फिर मॉर्निंग के टाइम आया फ्रेश हुआ फिर से चला गया है। तो ये लोगों का ऑकेशन में तो बहुत ही रस रहता है, तो ऑकेशन नहीं मना सकते हैं, साथ साथ हम लोग भी नहीं मना सकते क्योंकि बोरुन नहीं रहेगा तो बिहान और मैं क्या मनाऊंगी। तो इसीलिए हम लोग बहुत कम ऑकेशन मनाते हैं और जो लोग होटल में काम करते हैं ना वो लोगों का लाइफ बहुत ही मुश्किल होता है,
मतलब कोई ड्यूटी आवर स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, और ये लोगों का पूरा दिन ड्यूटी करके पूरा दिन चला जाता है। फिर रात के टाइम आओ सो जाओ, फिर यही होता है। परिवार के साथ टाइम नहीं दे पाते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा दिन का छुट्टी नहीं ले सकते हैं, तो लाइफ बहुत ही मुश्किल जा रहा है और इतना इजी नहीं है। इधर जो सेल्फ है उसमें मैं झाड़ू लगा दिया है, और अभी गीला कपड़े से पोंछने के बाद इसमें इसका सामान भी रख दूँगी। और मैंने भगवान की जगह पे अभी तक क्लीन नहीं किया है, क्योंकि मैं नहाने के बाद क्लीन कर दूँगी। और कपड़े जो है वो भी मैं चेंज कर दूँगी। और आज मेरे को नहाने में 4 बज गया था, क्योंकि इधर गर्मी पड़ गया है ना, तो करंट 3-4 बार दिन में चला जाता है। और बिहान सोने के टाइम करंट चला गया था, तो मैं हाथ पंखे से उसको हवा कर रहा था, तो इसीलिए मेरा लेट हो गया है। और अभी मैं कपड़े को भिगो के रख रही हूँ, तो नहाने से पहले मैं कपड़े को धो दूँगी। पोछा लगाने के बाद मैं भी आन को नहलाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे 1 बज गया था और मेरा लेट हो गया है आज। और बिहान का जो काम है, मतलब खाना खिलाना, नहाना, यही सब मैं करने के बाद में मैं कपड़े को धो दूंगी नहाने से पहले। और आज का वीडियो भी मैं यही एंड कर रही हूँ। मिलते हैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।